शरद पार से खबर है। इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा, जरा चलाइएगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार जारी। जी तो देखा आपने, एक मुल्क है, दो रहनुमा है। मंदिरों पर तोड़फोड़ से लेकर हिंदुओं पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े दंगे भड़काए जा रहे हैं। ये तो सलाह होना ही था। इसी अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों हिंदू उतर आए। एक सरापा नफरत है, दूसरा सरापा मोहब्बत है। प्रेसिडेंट के हाउस के ऊपर कल रात अटैक किया गया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है और अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो फिर से जो है बांग्लादेशी स्टूडेंट का वो ज़ॉम्बीज वाला रूप हम सबको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ कैसा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। एक इंतजार की बात करता है, मार धाड़ का प्रचार करता है और दूसरा जोड़ने और जख्मों पर मरहम रखने का दर्श देता है। मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने ये कहा था मीडिया के सामने आकर के और अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएस ऑफिसर बांग्लादेश में वो नहीं होगा जो आईपीएस की पढ़ाई पढ़कर आया होगा, जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो पढ़ सकता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह पढ़ सकता है वो आईपीएस के चेयर पर बैठेगा। हाँ ये कर लो पहले। एंटी इंडिया नैरेटिव बांग्लादेश में नहीं बल्कि एंटी हिंदू नैरेटिव जो है बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी कड़ी कहीं ना कहीं ब्रिक्स से भी जुड़ती है। बांग्लादेश भारत से क्या चाहता है या बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का कितना थ्रेट है, और बांग्लादेश कभी चाइना की तरफ भागता है तो कभी पाकिस्तान की तरफ भागता है, भारत से बात क्यों नहीं करता और हर आए दिन एक नया हथकंडा भारत के लिए वो क्यों तैयार करता है, इन तमाम बातों पर हम डिस्कशन करेंगे नाज़िया अली खान के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जगन्नाथ, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। प्रेसिडेंट को हटाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक राष्ट्रपति हैं बैठे हुए बांग्लादेश में तब तक बांग्लादेश में संविधान चलाना ही पड़ेगा, तब तक ओथ होता ही रहेगा संविधान के हिसाब से, और जो भी पद पर बैठेगा, जो चेयर पर बैठेगा, जो कैबिनेट मंत्री बनेगा, जो चीफ सेक्रेटरी बनेगा, जो ब्यूरोक्रेट बनेगा, जो डिप्लोमेट बनेगा, उन सबको संविधान की कसम खानी ही पड़ेगी। बांग्लादेश को अगर सहारा देने वाला अगर कोई मुल्क है, बचाने वाला, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने वाला, तो वो भारत है, क्योंकि 1971-72 में भारत के पास जो है फुल अथॉरिटी थी, वो बांग्लादेश को अपने साथ इजीली मिला सकता था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने मदद के लिए बुलाया था तो भारत मदद करके वहां से जा चुका था। उसके बाद देखिए इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होती है, उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम आता है, वो तमाम के तमाम क्या है, वो इंडियंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात आती है तो अडानी साहब जो कि इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो इनको कंटिन्यूसली सस्ती और उधार के ऊपर जो है बिजली दे रहे थे शेख हसीना वाजिद के जमाने में। अगर इनकी मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो बांग्लादेश उस तरह से नहीं डेवलप किया, हजारों लोग जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डेली भारत आते हैं और भारत उनका जो इलाज है आधे अपने पैसों से करता है, मतलब अगर 30 का है तो 15 उनसे ले लिया, 15 सरकारी खजाने से भर दिया। आज तक बांग्लादेश भारत की रोटियां तोड़ रहा था, आज तक बांग्लादेश भारत के नारे लगा रहा था। शेख हसीना वाजिद को मोदी साहब इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे भारत की वो खुद की बेटी हो। तुझे क्या, तू है कौन? लेकिन आज एंटी इंडिया एंटी हिंदू नैरेटिव जो बांग्लादेश के अंदर जो बिल्डअप हो रहा है, आपको नहीं लगता कि कोई तीसरी साजिश है जो भारत के लिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं हो पाए? अच्छा, बहुत से जो लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि दो कंट्रीज एक हो जाए। अरे आप अपना काम करो ना भाई। को प्रेशराइज किया जा रहा है, जैसे आपने कहा डेफिनेटली टेंशन बढ़ेगी, एक मुल्क है जो हमारे साथ लगता है उसके अंदर इस तरह से एक्टिविटीज होंगी, छोटा मुल्क है तो जिसको भारत ही चला रहा है, अगर वो इस तरह के एंटी हिंदू सेंटीमेंट करेगा, कभी वो मंदिरों पे अटैक करते हैं तो कभी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने की बात करते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने घरेबान में झांके, मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। तो इन चीजों को एज अ इंडियन, एज अ भारतीय आप किस तरह से देखती हैं? मिडिल ईस्ट में आप देखिएगा, यूएई में 3 मिलियन से ऊपर हिंदूज हैं जो बहुत खूबसूरत तरीके से रहते हैं। कभी आपने न्यूज सुना कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है? नहीं सुना। अगर वाकई में पाकिस्तान को भी भारत से हमेशा अच्छे रिलेशन रखने होते तो 23.7% सनातनियों को खत्म करके, माइनॉरिटीज को, इवन एंटायर माइनॉरिटीज को खत्म करके आप लोग 1% नहीं करते। और अगर
अभी भी 1% जो हिंदूज बचे हुए हैं, अगर उस पर भी आप लोग बहुत खूबसूरत एक अचानक से एक मॉर्निंग आप उठो और कहो कि नहीं अब हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली भारत को ऐसा लगेगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए। कभी तो वंस इन अ ब्लू मून हम कहते हैं ना कि कभी तो ऐसा होता है कि इंसान चेंज हो जाता है, पर पाकिस्तान ने भी ना चेंज होने की कसम खा ली, तो इसलिए भी रिलेशन और कड़वा होता चला गया है। अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई थी उसमें जो मोहम्मद यूनुस साहब गए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी दुर्गा पूजा है भारत में तो हम हिल्सा मच्छी भेजेंगे, हम गोल्डन प्रॉन भेजेंगे। आपको पता है कि क्या हुआ? पता है क्या हुआ? यहाँ पर पूरे भारत में बांग्लादेश से आई हुई मछली को किसी ने खरीदा ही नहीं। अब आती है बात कि इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है क्योंकि शेख हसीना के निकलने के बाद से अब तक मोहम्मद यूनुस तो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे, बिल्कुल चला ही नहीं पा रहे। वो तो एक अखाड़े का मैदान बन चुका है, वो तो एक जंग का और जिहाद का मैदान बना हुआ है। वहां तो ना नौकरी चल रही है, ना वहां पर बिजनेस चल रहा है, ना वहां पर एक कुछ आमदनी और इनकम का चीजें चल रही है, सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि जमात इस्लामी को और हिजबुत तहरीक को उसको प्रॉपर पाकिस्तान बनाना है। अब इसमें चाइना भी बहुत खेल रहा है, एटलीस्ट चाइना बहुत खेल रहा है, चाइना की नेवी आ गई हुई है बांग्लादेश में। सोचो एक तरफ चाइना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है क्योंकि अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस को वो भी समझ रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 डेकेड के बाद चाइना की इकोनॉमिकल क्राइसिस घटी है। हाँ, कह रही चाइना बूढ़ा हो रहा है अब। हाँ, हाँ, है ना। और आप जियो पॉलिटिक्स में जाकर के अगर चाइना के इकोनॉमिक का आप ग्राफ उठाइएगा तो चिंतित हुआ है। चाइना के कैबिनेट मिनिस्ट्री में आलोचना हुई है कि 2 डेकेड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका उनकी ट्रीटी और उनके बायलेटरल रिलेशंस जो है वो डैमेज और डेवेस्टेट होते चले जा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी बूस्ट करती चली जा रही है, भारत की इकोनॉमी नीचे से आसमान पर छूती चली जा रही है। जो लोग पहले चाइना का प्रोडक्ट यूज करते थे पूरी दुनिया में, अब वो भारत का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैं इन क्रक्स अब छोटे में आपको यही बताऊंगी कि दिस इज द हाई टाइम कि शेख हसीना को अब लौटना चाहिए और भारत की आर्मी को अब बांग्लादेश में एंटर करना चाहिए, यूएन को इंटरवीन करना चाहिए और बांग्लादेश के राष्ट्रपति को एक गैजेट इशू करना चाहिए, ऑर्डर इशू करना चाहिए उस दिन तक कर्फ्यू का जब तक ये माहौल शांत ना हो, क्योंकि अब जमात इस्लामी ने और हिजबुल जो अभी वहां पर नया नया और ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो इवेंचुअली जमात इस्लामी और हिजबुत तहरीक जो है क्योंकि वो स्प्रेड कर रहा है और अपनी चीजों को फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने ये कहा था मीडिया के सामने आकर के और अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएस ऑफिसर बांग्लादेश में वो नहीं होगा जो आईपीएस की पढ़ाई पढ़कर आया होगा, जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो पढ़ सकता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह पढ़ सकता है वो आईपीएस के चेयर पर बैठेगा। अजीब लोग है ना ये। कई हिंदू प्रोफेसर्स हैं, कई हिंदू टीचर्स हैं, कई हिंदू चीफ सेक्रेटरीज हैं, कई हिंदू डिप्लोमेट्स हैं जिसको तलवार की नोक पर वहां पर रिजाइन करवाया गया, रेजिग्नेशन डलवाया गया और उनके पास एक ऑप्शन दिया गया कि इधर आप इस्लाम कबूल कर लीजिए नॉर आप इसमें रिजाइन कर दीजिए। तो 90% हिंदू जो पद पर बैठे हुए थे, जो प्रोफाइल पर बैठे हुए थे, उन्होंने रिजाइन करना सही समझा 90% ने, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। शेख हसीना के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बांग्लादेश ने आइडेंटिफाई किया था 15 स्पीकर को और उस 15 स्पीकर को उन्होंने अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को शेख हसीना की सरकार ने भेजा था कि इन मुल्लाओं को आइडेंटिफाई कीजिए जो है बांग्लादेशी लेकिन काम जो है वो पाकिस्तान और चाइना के लिए कर रहे हैं पैसा लेकर के, और कहीं ना कहीं हिजबुत तहरीक को और जमात इस्लामी को एक्टिव करवा रहे हैं बांग्लादेश को खत्म करने के लिए। ये उनका एक लिस्ट भी इशू हुआ था, ये उनकी एक तस्वीर भी चर्चाएं आम पर आई थी बांग्लादेश में। ठीक है, ये वो मौलवी मुल्ला है जिनके बारे में 6 अप्रैल 2019 को ही शेख हसीना की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बांग्लादेश के विंग को भेज दिया था कि इनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट किया जाए। जी ठीक है, इसमें से ये वाला जो मौलाना है इसको देखना बहुत जरूरी है, ये
ये बीच वाला जो मौलाना है, ठीक है, ये बहुत सारे नात और खरात बांग्लादेश में करता है। थोड़ा और क्लोज करें, मेरी ऑडियंस भी देख ले, थोड़ा कैमरे की ओर क्लोज करें। हाँ, अब ठीक है, ये जो मौलाना है इसको लोग शायद शक्ल से नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं जब इसकी तरीका इसका तरीका बताऊंगी तो सारे लोग पहचान लेंगे। ये नात और खरात करता है, इसका प्रोफेशन दिखावे का जो है वो नात और खरात का है, वो खरात ऐसे करता है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, इस तरीके से नात और खरात करता है, ठीक है। इसका एक जैसे सबका सिग्नेचर होता है, जैसे मैं बहुत फायरी स्पीच देती हूँ, दिस इज माय सिग्नेचर, दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं कभी बहुत नॉर्मल बात करती हूँ तो लोग सोचते हैं नाजिया बीमार है क्या, नाजिया को कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, नाजिया बहुत फायरी बोलती है ना, नाजिया इज नॉर्मल, नाजिया का यही, क्योंकि नाजिया का यही सिग्नेचर ऑफ टॉकिंग है, नाजिया का यही सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि नाजिया इज अ वेरी फायरी स्पीकर। तो इस मौलाना का यही तरीका है और लोग इसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखवाने वाली हूँ जो आपके पाकिस्तान में बैठा है आपका स्टेट गेस्ट बनकर, जिसका बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश में जो शेख हसीना को भगाया गया, या बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, हालांकि एक नई चीज सामने आई है कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन कहीं पर मिल नहीं रहा है। शेख अब डाउट ये भी है कि तंगे भड़कने की मेन वजह है कि शेख हसीना ने रिजाइन किया भी था या सिर्फ वो ऐसे ही उठ करके चली आई थी। ये इंटरिम सरकार कैसे बनी है जब तक पूर्व भी नहीं कहेंगे, अब तो पूर्व भी नहीं कहेंगे, जब तक शेख हसीना के रेजिग्नेशन को अप्रूव्ड नहीं किया गया, जब तक शेख हसीना के रेजिग्नेशन को न्यूज में नहीं दिखाया गया, जब तक शेख हसीना का रेजिग्नेशन गूगल साइट पर नहीं चढ़ा, जब तक शेख हसीना के रेजिग्नेशन को पूरी दुनिया ने नहीं देखा, तो इंटरिम सरकार बनी तो बनी कैसे। अब आती है बात एक हिडन ट्रूथ की, ये है बीच में जाकिर नायक और उनके बगल में है सलमान फजलुल रहमान। ठीक होगा, पाकिस्तान आने से पहले ये गुप्त मीटिंग जाकिर नायक ने बांग्लादेश में ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या किया था। पाकिस्तान आने से पहले जाकिर नायक बांग्लादेश क्यों गया था कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, पाकिस्तान आने से पहले जाकिर नायक बांग्लादेश पहुंचने के बाद 80 करोड़ रुपए लेकर कहां गया है, क्या पाकिस्तान गया है बांग्लादेश से, और ये 80 करोड़ रुपए से ही वो पाकिस्तान में इतने सारे मजलिस और मजमा कर रहा है, इतने सारे जलसे और जुलूस कर रहा है, क्या मलेशिया अब दोबारा रिटर्न कभी नहीं जाएगा, क्या मेरी कही भी स्टेटमेंट जो पहली बार मैंने कहा था कि मलेशिया उसको लात मार के भगा चुका है, अब वो दोबारा मलेशिया कभी नहीं जाएगा, क्या पाकिस्तान ने अपने भिकमंगे हालात में जाकिर नायक को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि जाकिर नायक ने बांग्लादेश से 80 करोड़ रुपए उठा करके पाकिस्तान को मदद के तौर पर दिया है। तो ये तो 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनका ड्यूरेशन हमारे मुल्क में सिर्फ 28 अक्टूबर तक का ही है। मैं पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की आर्मी पर रत्ती बराबर भी यकीन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बरसों बरस पाकिस्तान की सरकार ने उसामा बिन लादेन को पाला और पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन है, वॉशिंगटन प्रेस क्लब है, व्हाइट हाउस प्रेस क्लब है और इंटरनेशनल कोर्ट ये पूछता रहा था कि उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है क्या, और वो कहता था नहीं है, लेकिन बाद में अमेरिका ने निकाला उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के ही तहखाने से। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, मैं बार बार कह रही हूं, 1 अक्टूबर से मैं एक बात की रट लगाई हुई हूं कि जाकिर नायक को यह दिखाया जरूर जाएगा कि वो 28 अक्टूबर को पाकिस्तान से चला गया है, लेकिन वो पाकिस्तान के तहखाने में ही रहेगा और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी 28 अक्टूबर आने में कितना ही समय है, 2 ही दिन का तो समय है, 2 ही दिन का तो। क्या क्या विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, पहले अपना निजाम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इनसे जब लोग परेशान हो जाते हैं ना, तब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और फिर ये बातें करते हैं अमन की। भाई इतना ही अमन पसंद है तो सभी की इज्जत करो है, ये क्या पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाना है, पूरी दुनिया को मुस्लिम उम्मा में बदलना है, मुस्लिम उम्मा ने क्या उखाड़ लिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, जय श्री राम।